पे माइलेज आपको लगभग 50 तक दे देती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देख रहे हो मैं चमक रहा हूँ। आज है मेरे बुलबुल का बर्थडे, तो मैं वही जा रहा हूँ। एक साल पूरा हुआ मेरे बुलबुल का, तो मैं जाने वाला हूँ इसका इंश्योरेंस करवाने अभी। एंड इसके बाद, वहाँ से आने के बाद आपको बताऊँगा रिव्यू कि एक साल बाद सुजुकी एक्सेस 125 का कंडीशन कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं, सब बताऊँगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मजा आने वाला है। चलिए निकलते हैं फटाफट। शिट यार गाइस, अब हम लोग को ब्लॉग से आना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? आए हम लोग कैसे जाएगा? देख, हम भी उसके लिए ट्राई करेगा क्या? ले ले ले, अभी हमको जाने नहीं देगा क्या? ये गाड़ी वाला तो हमको रुक गया गाइस। देख रहा है, किस्मत देख रहा है मेरा। मैं सोचा मैं भी होशियारी मार के चल देगा, तो नहीं, थोड़ा बीच से जगह बना दिया भगवान हम लोग के लिए, चल आ जाएगा। अंधेरी रात में वो गाड़ी को दिखा ना। देखो गाइस, कितना हैवी ड्राइवर ना, पक्का लड़कियों का ड्राइवर, देख लेना। मैं गलत होता ही नहीं है गाइस। मैं कभी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो शिव है। वाओ गाइस, मजा तो आ रहा है यार। आज लग रहा है कि मैं हैवी ड्राइवर बन चुका है। हॉर्न तो दे दो। हॉर्न नहीं देगा गाइस, देख रहा है, और ऐसे में ठुकाएगा। ला ला ला। ये मेरा कॉलेज गाइस, इतना ब्लॉक से झेल झूल के मैं अपना कॉलेज तक पहुंच गया। कैन यू बिलीव इट, मैं ये रास्ता जाना चाहता नहीं है, क्योंकि टूटा फूटा रास्ता है, लेकिन यहीं से जाना पड़ रहा है ब्लॉक का चक्कर में। और ये ब्लॉक इतना है कि समझ ही नहीं आ रहा है गाइस। बुलबुल का बर्थडे का दिन, हम उसको कैसा कैसा रोड में चला रहा है, कितना दुख लग रहा है। सॉरी बुलबुल, फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, नाम तुम्हारी पहुंच गए गाइस। ट्रैफिक पुलिस घूर रहा है गाइस कि किसका चालान काटे। वो पहले ही साइड हो गया। और ये स्कूटी वाला देखा, वो स्मार्ट पायल देखकर डायलॉग बोल रहा है, वो स्मार्ट यू नो। तो गाइस, मैं बुलबुल का मायके पहुंच चुका है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस करवा लेता है फटाफट, फिर यहाँ से निकल के थोड़ा देखता है जो भटक के फिर घर जाएगा। चलो अंदर चलते, देखते हैं क्या है प्रोसेस। देखो, यही है बुलबुल का मायका, और यहाँ इतना सारा गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है, वो अंदर जाएगा। मेरा के बस था यार, बस इतना धूल छुपुक छुपुक छुपुक, और हम हेलमेट का वाइजर नीचे नहीं करता है। कोई ना, पहुँच गया मायके, और वहाँ दे दिया है RC और इंश्योरेंस का पेपर, वो लोग रिन्यू कर रहा है, फिर हम लोग जाएंगे घर। गाइस थक गया, ये लोग अभी तक इंश्योरेंस नहीं बनाया, मतलब लगभग काम हो चुका है, लेकिन अभी बिगाड़ करने बोला है, और आज चाय भी नहीं पिलाया। देखो खाली सीट पे मैं अकेला अकेला चिल कर रहा है। ये है, यहाँ पे पेमेंट होगा गाइस। देखो द सर्विसिंग चालू है। तो गाइस, हो गया अपना इंश्योरेंस का काम, मजा आ गया। पता है फोन पे वो लोग 2000 बोला, और इधर आके 2100 ले लिया। नहीं कोई बात नहीं, इंश्योरेंस रहना जरूरी है। थक गया रे, इतना देर बैठा दिया हमको, आधा घंटा ज्यादा बैठा दिया। लेकिन देखो मोबाइल में आसमान क्या सेक्सी लग रहा है ना, वाह मजा आ गया देख के। तो फाइनली मैं इंश्योरेंस करवा के आ चुका। आज सुजुकी एक्सेस यानी कि मेरी बुलबुल का एक साल पूरा हुआ। तो बताते हैं इसके बारे में कि लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो इसका लुक्स जो है ना, आपको दिखाता हूँ पहले लुक्स। तो देखो इसका लुक्स इतना क्लासी है, एकदम सब कुछ वाइजर लगाने के बाद, तो लुक्स के मामले में तो एकदम एक नंबर है। माइलेज भी यहाँ शिलोंग में, जो हिली एरिया है एकदम, यहाँ पे माइलेज आपको लगभग 50 तक दे देती है। तो जो एक लीटर में 50 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, और इससे अच्छा क्या ही चाहिए, है कि नहीं। एंड इसमें स्पेस भी इतना ज़्यादा है, तो स्पेस के मामले में बहुत अच्छा है। फिर यहाँ देखो चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये सब तो आपको मालूम ही है, एक साल का आप लोग लोगे तो ये सब तो आप जाहिर सी बात है पता करोगे ही, है कि नहीं। तो मैंने पूरे एक साल चलाया है, एक साल में देखो कितने किलोमीटर मैंने चलाया, रुको मैं चेक करता हूँ। हाँ, एक साल में मैंने 6900 किलोमीटर मैंने चला लिया है। एंड उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो हाँ, आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि मेरी बुलबुल तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार, इतना अच्छी मतलब मेरे को बचाती है। और देखो इसमें एक दो बार एक्सीडेंट भी हुआ है, तो इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एक बार देखो यहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा सा पिघल गया था क्योंकि ज़्यादा ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट था। तो बस एक ही बार था एक्सीडेंट जो मतलब प्रॉब्लम हो सकता, लेकिन मैंने गार्ड लगाया हुआ है तो उसको कुछ हुआ नहीं। तो एक साल के बाद भी मेरा सजेशन तो यही है कि हाँ, अगर आपको भी चाहिए तो सुजुकी एक्सेस को प्रेफर कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूटी है। तो आज एक साल के बाद करीबी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।